फेस को वॉश करके आई हूँ, नेक पे अभी भी पैक लगा है, लेकिन मैं वीडियो बनाने पे आप सबके साथ शेयर करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। जिनकी शादी जैन से लेकर के अप्रैल में जून जुलाई तक होने वाली है, ये पैक आप जरूर ट्राई करना, प्लीज़ जरूर ट्राई करना, क्योंकि आपकी रंगत को ये दुगना करने वाला है। यानी कि फुल बॉडी वाइटनिंग पैक मैं बनाई हूँ आपके बॉडी पार्ट, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट्स, आर्म पिट्स, आपके बैक, आपके हैंड, आपके लेग, यानी कि आपके बॉडी का कोई भी पार्ट जो काला हो गया है, किसी भी कारण वजह से अगर काला हो गया, उसकी रंगत को एकदम से साफ करने वाला है। एक बार इस पैक को लगाते हो, एक बार में ही आपकी रंगत जो है सो आपको दुगनी दिखने वाली है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और इस पैक को जरूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने है, पिंपल्स है, उन सब के लिए वीडियो स्पेशली बनाई हूँ मैं, तो जरूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दे और बाजू में एक बेल आइकॉन होगा उसको भी क्लिक कर दे, लेकिन क्लिक करने के पहले ऑल वाला सर्च करें, तब उसके ऊपर क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करने से ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा ना। कोई किसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, किसी के नहीं मिलेंगे, और मैं चाहती हूँ मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आपको ऑल के ऊपर क्लिक करना होगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ जनरल टॉक्स विद छवि के नाम से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल जो मैं अभी आपको बताई हूँ, आप मेरे उस चैनल को भी आप देखो, मेरे वीडियोस को देखो, मैं बहुत सिंपल लाइफ जीती हूँ, और अगर आपको मेरे वो वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो आगे चल के देखिए कि इस पैक को बनाते कैसे, इसको लगाते कैसे, और लगाने के बाद इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो जो मैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट ली हूँ वो है तिल, और तिल मैं 1 स्पून ली हूँ। ये स्किन वाइटनिंग में, ब्राइटनिंग में, और अगर आपके बॉडी पार्ट अगर काले हैं तो उसको बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है, क्लियर करता है, और आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है, हटाता है, लेकिन आपकी स्किन को बिना हार्म किए हुए। तो मैं क्या की हूँ, 1 स्पून ग्राइंडर में मैं ग्राइंड की हूँ। आप सबको भी मैं बोलूँगी कि तिल को पहले आप सेपरेटली पहले ग्राइंड करें। अगर आप चाहोगे कि इसको रोज़ वाटर या फिर किसी के साथ ग्राइंड करते हैं, अगर सिर्फ 1 स्पून लेते हो तो फिर नहीं होगा अच्छे से ग्राइंड। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं ली हूँ खीरा, जिसे कुकुम्बर कहते हैं, काकड़ी कहते हैं। 2 या 3 टुकड़ा जो है, आप 1 स्पून अगर लेते हो तिल तो 2 या 3 टुकड़ा आप आराम से खीरा का डाल सकते हो। मैं तकरीबन इसको मैं ग्रेटर में ग्रेट कर ली हुई थी, तो तकरीबन मैं 3 स्पून के करीब में काकड़ी को ली हूँ, और दोनों को, जब पहले तिल को ग्राइंड की उसके बाद मैं दोनों को साथ में ग्राइंड की, बहुत बारीक पेस्ट हो गया है। इस पेस्ट को आप बना करके आराम से जो है ना फ्रिज के अंदर 3 to 4 days तक स्टोर करके रख सकते हो, 3 से 4 दिन तक कोई ख़राब नहीं होने वाला। स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग में तो महारत हासिल है इसे। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है मुल्तानी मिट्टी, बेस्ट स्किन व्हाइटनिंग और टाइटनिंग में जो है ये बहुत बहुत बेहतरीन होता है। इन सबको आपको मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा थिक हो गया है तो आप इसके अंदर जो है आप रोज़ वाटर जो है थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की, कोई परेशानी की बात नहीं है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, और स्पेशली ये उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है जिनकी जो है सो कि शादी होने वाली है और पिंपल्स से परेशान हैं वो, या फिर शादी नहीं भी होने वाली है लेकिन उनके फेस पे पिंपल्स है, एक्ने हैं, परेशान हो गई हैं, धूप में अगर वो जाती हैं तो उनकी स्किन जो है वो झुलस जाती है, जल जाती है, उन सब परेशानी को ये एक बार में ही आप देखोगे कि बहुत हद तक जो है ये कम हो चुका है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फेस पैक है। फेस पैक बन के हो गया है रेडी, और चलिए अब इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई 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 फेस के ऊपर अप्लाई। तो बताइए, पैक तो बन के हो गया रेडी, और अब ये क्या क्या काम करेगा मैं बता दूँ। ये मतलब आपके होल बॉडी का पैक है, यानी फुल बॉडी पैक है, और ये कहाँ कहाँ आपके सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आने वाला है, आपके विकनी एरिया में, और आपका जो अंडरआर्म्स एरिया है, आपका नेक है, आपका बैक है। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि मैं, मेरा बैक ब्लैक है, मैं क्या करूँ। ये पैक लगाओ और पूरे बॉडी को चमकाओ चमकाओ चमकाओ। कैसे चमकाओ? पर डे लगाओ इसको। ये मत पूछो मैम कि आप इसको मैं 2 दिन लगाऊं कि 3 दिन लगाऊं कि 4 दिन लगाऊं, डेली लगाओ, जब तक कि आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है वो लाइट, जो डार्क हो गए ना, एकदम ब्लैक हो गए हैं, वो कम ना हो जाए, थोड़े से लाइट ना हो जाए, तब तक वो आप इसको कंटिन्यू लगाओ। वीकनी एरिया में आपको कैसे लगाना? वीकनी एरिया में पहले आपका वो पार्ट, प्राइवेट पार्ट को आपको
हेयर है उसके ऊपर अगर आप इसको लगाते हो तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है आपके हेयर के ऊपर ही रह जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है लगाने को। तो आपको क्या करना है, पहले उसको क्लीन कर लेना, अपने वीकिंग एरिया को क्लीन करने के बाद उसको जो है आपको उसको पर लगाना है, ठीक है। क्लीन करने के तुरंत बाद भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप हेयर रिमूवर यूज करते हो, ध्यान से आप सुनिए इस बात को, अगर आप हेयर रिमूवर यूज करते हो, किसी भी ब्रांड का हेयर रिमूवर यूज करते हो, तो उसके तुरंत बाद आपको नहीं लगाना है। जब भी कोई हेयर रिमूवर यूज करते हैं तो उसके बाद 24 घंटे तक उस पार्ट पे कभी कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, आफ्टर 24 आवर्स आपको यूज करना चाहिए। तो अगर आप रेजर यूज करते हो या फिर उस पार्ट में अगर आप वैक्स कराते हो तब आप इंस्टेंट इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप हेयर रिमूवर यूज करते हो तो 24 घंटे के बाद आपको इसको लगाना है। आप इसको अपने, अगर आपको लग रहा है आपका थाइस एरिया, वीकिंग एरिया तो बहुत का ब्लैक होता है, बहुत का देखोगे ये थाइस है, मान लो ये थाई है, तो ये वाला पार्ट ब्लैक होता है। वो क्यों ब्लैक होता है, जब वो मोटे जो थोड़े हेल्दी होते हैं ना, वो क्या होता है जब वो चलते हैं ना तो ये आपस में ऐसे टकराता है, जब ये टकराता है तो ये पार्ट हो जाता है ब्लैक। तो आप उस पर भी लगा सकते हो। अंडर आर्म्स देखोगे ना, अंडर आर्म्स जो है वो ब्लैक होते हैं, तो आपको क्या करना है, अंडर आर्म्स में भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन उसके भी हेयर नहीं होने चाहिए तभी आप लगा सकते हो। कोई बहुत बेहतरीन पैक है, रिजल्ट आपको मतलब फर्स्ट टाइम आप लगाते हो उसमें ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाला है, लेकिन जो एकदम से ब्लैक पार्ट है या बॉडी पार्ट एकदम ब्लैक है तो उसको आप एक बार में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा साफ हुआ है, लेकिन एकदम से परफेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 100% वो होगा, उसकी गारंटी है। तो चलिए इसको लगाते हैं। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ, इसको आपको डेली लगाना है, यानी कि ये पैक ऐसा है कि अगर आप बॉडी पार्ट, अगर आपका जो प्राइवेट पार्ट अगर आपका ब्लैक है तो उस पर आपको इसको डेली लगाना है, प्राइवेट पार्ट पे, फेस पे, बॉडी में, बैक पे, हैंड पे, पूरे बॉडी में आपको ये डेली लगाना है। जब आपको लगेगा कि अब ये जो आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो आपके स्किन के कलर का हो गया है, तब आप वीक में इसको 3 डेज लगा सकते हो। आई होप कि आप सबको मेरे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो इसको लगाते हैं। मैं रोज वाटर स्प्रे नहीं की हूँ, आज स्प्रे लाई थी लेकिन मैं भूल गई स्प्रे करना, आप लोगों से बात करने में रह जाती हूँ ना, तो क्या करूँ, आप सब इतने प्यारे हो ना, मैं इसको यहाँ पे भी लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो तिल है ना वो पिस चुका है एकदम अच्छे से ग्राइंडर में। मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मैम आपका ग्राइंडर कौन सा है, मैम आपका ग्राइंडर कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ग्राइंडर का आपने रिव्यू कर चुकी हूँ, आप प्लीज जा करके सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, आप कमेंट करोगे तो मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। मैं नेक पे नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा लगा रही हूँ, आप पूरे नेक पे लगाओ, बैक पे लगाओ। बहुत ही मैसेज आ रहे हैं, मैम मेरा बैक ब्लैक हो गया है। तो ये एक ऐसा पैक है कि आपके कालेपन को दूर करेगा, आपके पूरे बॉडी पार्ट से आपके कालेपन को दूर करेगा और आपकी स्किन को चमका देगा। आप अपने हस्बैंड को लगा सकते हो, अपने बेटे को लगा सकते हो। मेरा बेटा तो लगाता नहीं है भैया, उसको तो मैं तो थक गई हूँ, पकड़ती हूँ और भागता है वो। मैं मुझे अपनी बेटी को भी पकड़ना पड़ता है, लेकिन जब मैं उसको लगा देती हूँ ना तो फिर उसको कंट्रोल करना पड़ता है। घर में कोई आया, बेल का आवाज आया ना, घर में कोई आया, यही है। अब ये लग चुका है, मैं थोड़ा ठीक लगाई हूँ, लगा चुकी हूँ मैं। अब इसे सूखने में लगने वाले हैं 15-20 मिनट्स, जब ये सूख जाता है उसके बाद आपके साथ रिजल्ट। बहुत ज्यादा ड्राई और एक्सेस टाइट हो गया, इतना ज्यादा फेस टाइट हो गया कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो वॉश करती हूँ फिर आपके साथ जो है रिजल्ट शेयर करती हूँ। अच्छा, जब इस फेस को जब आप वॉश करते हो ना तो ज़्यादा जोर से आपको अपने फेस के ऊपर मसाज नहीं करना, एकदम हल्का मसाज करेगा करना, ये आपकी स्किन को टाइट भी करने वाला। चलिए मसाज करते हैं, फेस को वॉश करते हैं, उसका ये नेक पे अभी लगा हुआ है, नेक का भी मैं वॉश नहीं की हूँ। मेरी स्किन देखो यार, सीरियसली ये मेरा फेवरेट फेस पैक हो गया है, पता है क्या, ओ माई गॉड इतना ज़्यादा ब्राइट स्किन लग रहा है ना, इतना ज़्यादा ब्राइट कि मुझे खुद को भी फेस नहीं हो रहा है, बहुत बेहतरीन स्किन, एकदम हल्का हो लग रहा है। आपके फेस पे जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है उसको भी रिमूव करेगा। अच्छा मैं आप सबसे के साथ एक बात रिक्वेस्ट करती हूँ और इसको मानना, जिस किसी की भी शादी होने वाली है, यानी कि जिस किसी की भी शादी होने वाली है, मैं बोलूँगी एक बहुत पहले मैं एक अपना बेस्ट ब्राइडल उपटन ये की थी, जिसको जिसके अंदर रोज रोज पेटल्स थे। मैं बोलूँगी अगर आप आज जो मैं फेस पैक ट्राई आप सबके साथ शेयर की हूँ, आज जो मैं फेस पैक अभी बना रही हूँ, मैं बोलूँगी ये उपटन भी, ये पैक भी आप यूज़ करें। अगर आपकी शादी होने वाली है ये उपटन यूज़ करें, उनके लिए ये बेस्ट उपटन होने वाला है, बेस्ट फेस पैक होने वाला है, जिनकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, जिनके फेस पे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं,
उन सब के स्किन के ऊपर ये मार्वेलस रिजल्ट लाने वाला है, और आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन अगर 7 है तो आपकी रंगत को दोगुना करने वाला है। तो ये फेस पैक मैं बोलूंगी कि जरूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मेरे साथ जरूर रिजल्ट शेयर करें। सीरियसली मुझे अपने आप से प्यार हो गया, क्या बात है यार, सीरियसली क्या गजब गजब का निखारा है मेरी स्किन पे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होता लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर स्पेशली उनके साथ कीजिएगा जिनकी शादी फिक्स हो गई है या फिर होने वाली है, भैया कर दो शेयर, बहुत बेहतरीन पैक है ये। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।